मानव तस्करी यूनिट द्वारा भिक्षावृत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज अजमेर में 4 मासूम बच्चों को यूनिट द्वारा अपने संरक्षण में किया गया। ये बच्चे शहर के केसरगंज इलाके में अपने ही परिवार की सहमति से भिक्षावृत्ति कर रहे थे। मानव तस्करी यूनिट व चाइल्ड लाइन के हेड कांस्टेबल हीरा सिंह के अनुसार लंबे समय से स्थानीय लोगों द्वारा बच्चों की भिक्षावृत्ति के संबंध में शिकायत मिल रही थी। आशीष शिकायत के सत्यापन के बाद मानव तस्करी यूनिट द्वारा कार्रवाई करते हुए इन चारों बच्चों को संरक्षण में लिया गया है। वह चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया है। अब इन बच्चों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इस संबंध में इन बच्चों के परिवार वालों की काउंसलिंग किए जाने की भी तैयारी की गई है। आज सूचना मिली थी केसरगंज सर्किल के ऊपर, जो छोटे बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, भिक्षावृत्ति मांगते हैं, भिक्षा मांगने का काम करते हैं, उनको वहाँ से रेस्क्यू करके शेल्टरों में, चाहे चाइल्ड लाइन के शेल्टरों में या यहाँ पर लेकर आए हैं। लगभग कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं और 2 बच्चे हैं लड़के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कितने समय से भीख मांगने का कार्य? ये बता रहे थे कि 4-5 दिन पहले आए थे और ये गवर्नमेंट कॉलेज के पास में झाड़ू बनाने के काम करते हैं। इनके मदर फादर जो भी उनकी, ये इधर आ जाते हैं बच्चे भीख मांगने के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं ये? वैसे तो बताते हैं कि विजयनगर के पास के हैं, बाकी अभी हाल ही यहीं रह रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के पास।